यदि आप एक महिला हैं तो आपको सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर होने की संभावना है। मैं डॉक्टर अनादि पचौरी, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका नई दिल्ली, आज हम लोग इस कैंसर से संबंधित कुछ जानकारियां साझा करेंगे व जानेंगे इससे कैसे बचा जा सकता है। गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स गर्भाशय का सबसे बाहरी हिस्सा है, या आप ये कह सकते हैं कि गर्भाशय का मुंह है। जब कभी जो बच्चा पैदा होता है वो इसी के द्वारा गर्भाशय से निकलकर वजाइनल कैविटी तक आता है। जब कभी इसकी सेल्स या कोशिकाएं बहुत तेज़ी से विभाजित होने लगती हैं तो वो एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं या फिर कभी कभी एक छाले का निर्माण करती हैं, ये ही गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर कहलाता है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए मुख्यतः दो कारण हैं। एक जो है जननांग स्वच्छता जो होती है वो काफ़ी जरूरी है इस कैंसर से बचने के लिए। दूसरा मुख्य कारण है जो शारीरिक संबंध, अनप्रोटेक्टेड शारीरिक संबंध जो बनाए जाते हैं उसकी वजह से एक वायरस का स्प्रेड होता है जिसको हम ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस कहते हैं। ये वायरस सर्विक्स की कोशिकाओं में इस तरह के चेंजेस करता है जिसकी वजह से वहाँ पर किसी ट्यूमर के बनने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भाशय कैंसर के ज़्यादातर मरीज हमारे सामने ब्लीडिंग या रक्तस्राव की समस्या के साथ प्रस्तुत करते हैं। ये रक्तस्राव या तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या जिसे हम कह सकते हैं कि महावारी के बीच में, दो महावारियों के बीच में इस तरह की ब्लीडिंग होती है, या फिर कभी कभी सहवास के बाद इस तरह की ब्लीडिंग होती है, या जो नॉर्मल महावारी होती है उसमें कभी कभी रक्तस्राव ज़्यादा होता है, वो बहुत दिनों के लिए, लंबे समय के लिए चलता है। इसके अलावा कुछ मरीज कभी कभी गंदे पानी की शिकायत के साथ भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जब कोई मरीज हमारे सामने ऐसे लक्षणों के साथ प्रस्तुत करता है जो कि गर्भाशय ग्रीवा की के कैंसर की तरफ इंगित करते हैं तो उसकी जांच की जाती है किसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ के द्वारा। उस जांच में हमको देखा जाता है कि उसके जो सर्विक्स है यानी कि गर्भाशय ग्रीवा है वो किस अवस्था में है। अगर वहाँ पर कुछ छाला या घाव देखने को मिलता है तो हम सीधे उससे बायोप्सी ले सकते हैं। अगर वो मरीज बहुत ही अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करता है और कोई बड़ा छाला या घाव नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम पैप स्मियर टेस्ट से उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर का इलाज मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज किस स्टेज में यानी कि किस अवस्था में हमारे डॉक्टर के पास पहुंचा है। जो अर्ली स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज के जो मरीज होते हैं उनको सिर्फ सर्जरी के द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, जबकि वो मरीज जो कि थोड़ी लेट अवस्था में आए हैं उनके इलाज के लिए कीमोथेरेपी व रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभी सर्जरी के साथ में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जो मरीज बिल्कुल अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं उनके लिए कभी कभी क्यूरेटिव ऑप्शंस नहीं भी होते हैं। ऐसे मरीजों को हम कीमोथेरेपी तथा और दवाइयों की सहायता से जो भी उनका जीवन सबसे बेहतर बना सकते हैं उस तरह के प्रयास करते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव के दो प्रमुख उपाय हैं। पहला, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन 9 साल से 15 साल की बच्चियों में दिया जा सकता है व इसके प्रभाव से बच्चियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, जिसकी वजह से आगे की उम्र में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा उपाय है पैप स्मियर टेस्ट। इस टेस्ट की सहायता से या तो हम सर्वाइकल कैंसर का बहुत ही अर्ली स्टेज में निदान कर सकते हैं या फिर कभी कभी कैंसर बनने से पहले भी प्री कैंसर स्टेज में भी उसका पता लगा सकते हैं व इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं हम लोग।